This movie is encoded by Dr. Star. नमस्त 2012 हमें ठीक से बताओ ठीक है बताता हूँ ये पंचवा इलाका है क्या सच में सच में यकीन करो सरकार और जनजाति के बीच अनबन है तो इस जगह पर आने की पूरी तरह से मनाई है मतलब हम पर कोई रोक टोक नहीं है हमारे लिए ना सही कहा यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक हर तरफ खतरनाक जंगल है अगर कोई हमारे पीछे आया तो उड़ने से पहले ही गिरफ्तार हो जाएगा बकवास बंद करो तो हम अधिकारियों से कैसे बचेंगे अच्छा हुआ तुमने पूछा ये वो चीज है जिसे मैं जेल से आजादी का टिकट कहता हूँ मेरे पास बहुत तरीके हैं तो तुम हमें ऐसी जगह ले जाते हो जो हमने कभी देखी नहीं होती मेरे दोस्त अगर हर दिन आखिरी दिन की तरह गुजारोगे तो एक ना एक दिन ये अच्छा दोस्तों अब जरा सामने की तरफ देखो हम पहुंच गए हैं डेविल्स पीक जिसकी ऊंचाई है 3,000 फुट से भी ज्यादा मुझे तो यकीन नहीं ये तो बहुत खूबसूरत है ओ यहाँ ना तो मेरा सपना था इस वक्त इस दुनिया में हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं है सही कहा बिल्कुल आ जाओ सब लोग बेबी क्या कोई और तुम्हें इतनी कमाल की जगह कभी लेकर आया है नहीं तुम हमेशा जो कहते हो वो करके दिखाते हो बनी एक मिनट क्या कहा बनी ओ कितना प्यारा शब्द है ये हम एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते हैं चलो अब बातें बहुत हो गई इससे पहले कि मौसम खराब हो हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं लेकिन मजा आने वाला है ओ मेरे बनी सुन मेरा सामान उठा लेना ठीक है मेरे दोस्त बेल्ट को थोड़ा टाइट करो हाँ ठीक है ये ठीक है एक मिनट इसे यहाँ ठीक कर दो तो अब हम तैयार हैं बिल्कुल आ जाओ जेन चलो स्माइल ये फोटो अच्छी है ठीक है दोस्तों चलो उड़ते हैं हाँ ओके बढ़िया संभल के तुम पहली बार कूदने जा रहे हो मुझे तो मजा आ रहा है गिरना मत क्या कर रहे अब कूदो भी स्टोन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बस एक सेकंड दो कूद जाओ दोस्त कूदोगे तो डर गायब हो जाएगा कहने में और सच में कूदने में काफी फर्क है तुम्हारा नहीं पता लेकिन मैं यहाँ अपना वक्त बर्बाद करने तुमने नहीं सुना ना उड़ने से पहले इतना मत उड़ो तुम्हारी बारी भी आएगी आराम से जहाँ लैंड करना है वो जगह थोड़ी दूर दिख रही है हाँ लेकिन हवा तेज है पैराशूट थोड़ा जल्दी खोलना हाँ। सुनो तुम पीछे हो जाओ हम दोनों आखिर में कूदेंगे बाकियों के कूदने के बाद सच में स्टोन किसका इंतजार कर रहे हो पैराशूट खोलो
डेविल, ये कार्टून नहीं हकीकत है। इन जानवरों को ऐसा डरावना नाम तब मिला जब यूरोप से आने वालों ने इन्हें अपने बच्चों को दूध पिलाते वक्त डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए सुना। क्या आप अमेरिका से हैं? हाँ, मैं यहाँ आदिवासी लोक कथाओं पर पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने अपने स्कूल में पढ़ा है कि टैस की गर्दन और सर बहुत बड़ा होता है और इसीलिए इनकी मुँह की पकड़ सबसे मजबूत होती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वजन के हिसाब से इनके दांतों की पकड़ दुनिया में सबसे मजबूत होती है। इसका मतलब टैस सफेद शार्क की तरह होते हैं, मतलब पैरों वाली। तुम्हारी बात आधी सही है। टैस इंसानों को नहीं खाते। नहीं खाते? नहीं। फिर वो क्या खाते हैं? दरअसल ये प्रकृति की सफाई करते हैं, तो शिकार करने के बजाय ये मरे हुए जानवर खाते हैं। मरे हुओं को खाते हैं? फिर तो डरने की बात ही नहीं, ये तो आलसी होते हैं। ऐसा है, आदिवासी मानते हैं कि टैस का पूर्वज एक भयानक प्राचीन प्राणी था। कहते हैं कि हजारों साल पहले खुद आदिवासियों ने ही उस हैवान को इस दुनिया में बुलाया था, इस द्वीप को दुश्मनों से बचाने के लिए। भयानक हैवान धरती से निकला, जो इंसानों को सीधा निगल जाता था जिंदा। पर आप इन सब बकवास बातों पर यकीन नहीं करती है ना? आप करती है? सॉरी दोस्तों, हमें अभी आगे भी बहुत कुछ देखना है। शुक्रिया, यह आने के लिए शुक्रिया। जितना कहा गया है उतना ही बोलो। तुम टूरिस्ट को बुलाने के लिए हो, उन्हें डराने के लिए नहीं। ओ, लोगों को डरना कभी कभी अच्छा लगता है। जो कहानी सुना रही थी उसे अंधविश्वास कहते हैं, और तुम जो मेरी थीसिस की बेइज्जती करते हो उसे बकवास कहते हैं। क्या हुआ? एक हेलीकॉप्टर को खूनी घाटी की तरफ जाते हुए देखा गया है। हम देखने जा रहे हैं कि वो लोग बेस जंपर्स हैं या नहीं। हम चाहते हैं कि तुम स्टेशन पर ही रहो। मुझे भी ले चलो। जाओ विटफील्ड से पूछो। तुम उनसे बात करो ना। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा क्यों? क्योंकि मुझे हफ्तों से बाहर की ड्यूटी नहीं मिली है, मुझे बाहर निकलना है। पर मेरे साथ नहीं। कोई लड़का किसी लड़की को डेट के लिए पूछता है तो जवाब की उम्मीद करता है, चाहे जवाब ना ही क्यों ना हो। मुझे अपने साथ ले चलो, फिर मैं डेट पर भी आ जाऊंगी। सच में आओगी? सिर्फ खाना खाएंगे, कुछ और सोचना भी मत। तो चलते हैं। एंडरसन, मैं जमीन पर उतर गया और ठीक हूँ। ठीक है, सुन लिया। तुम्हें मशहूर गुफाएं देखने को मिलेंगी एलेक्स।
दोस्तों। स्टोन, 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 स्टोन। क्या बात है जेन, वहां क्या चल रहा है? एक लैंडिंग रिंग और मैग लाइट लाओ, यहाँ कुछ दिक्कत है। दिक्कत से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चल रहा है वहां पर? बस जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचो। ठीक है, सुन लिया, हम वहां पहुंचते हैं। चलो दोस्तों, चलना होगा, गड़बड़ है, आ जाओ। क्या हुआ? लगता है वो नीचे है। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा। मुझे पकड़ो। स्टोन, दिखाई दिया? नहीं, बहुत सारा खून है। क्या? फॉरेस्ट ऑफिसर्स के आने से पहले उसे किसी तरह बाहर निकालना होगा। मुझे रस्सी दो। मैं अपना मेडिकल का सामान तैयार रखती हूँ, जैसे ही कहोगे मैं नीचे आ जाऊंगी। और नीचे करो। ठीक है, पहुंच गया। स्टोन, क्या तुम यहां हो? स्टोन, क्या वो दिखा? नहीं दिख रहा। स्टोन, कहां हो यार? स्टोन, बोलो भी यार। मैं तुम्हें लेने आया हूं स्टोन। ये सब क्या है स्टोन? स्टोन का? स्टोन कहाँ है? स्टोन मर चुका है। क्या? क्या वहां नीचे कुछ है? किसी ने स्टोन को आधा काट कर खा लिया है। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है गिरने से शरीर फट गया हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या करें? हमें यहाँ से निकलना होगा। एक मिनट, हम स्टोन को छोड़कर नहीं जा सकते। हम फिर आ जाएंगे। नीचे कोई ना कोई खतरा है और वो कभी भी ऊपर आ सकता है। एक मिनट, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जिसे मेरे साथ आना आए, जिसे रहना है रहे। एंडरसन, हमें फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज तुम इस वक्त जल्दबाजी मत करो। तुम तो मुझे जानते हो, क्या तुमने कभी मुझे पहले इतना डरा हुआ देखा है? ठीक है फिर, चलो। रस्सी तो ले लो। छोड़ दो रस्सी को, चलो चलो आ जाओ। क्या हाल है? हाँ, तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है नेशनल पार्क में घूमने, संपत्ति नष्ट करने के लिए और गैर कानूनी रूप से यहाँ उतरने के लिए। पैसे कहाँ हैं? स्टोन के पास गुफा में।
मेरी बात सुनिए, हमें मदद चाहिए। हमारा एक दोस्त मारा गया है। तुम लोग कोई खतरनाक काम कर रहे थे है ना? वो कूदने से नहीं मरा, किसी ने उसे खाया है। सवाल ही नहीं उठता, तस्मेनिया में कोई नरभक्षी जंगली जानवर है ही नहीं। ये लोग बस गिरफ्तारी से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं। देखिए इसके हाथ पर खून भी लगा है। अगर तुम्हारी बात सही है तो हम तुम्हारे दोस्त को ढूंढ लेंगे, लेकिन हम पहले तुम्हें गिरफ्तार करेंगे और तुम्हारे हेलीकॉप्टर को जब्त करेंगे। ऑफिसर, आप समझदार इंसान दिखते हैं। मैं आपके फायदे की बात बताता हूँ। उस गुफा में $50,000 गिरे हैं, वो आप ले लीजिए, पर हमें यहां से जाने दीजिए। तुमने ये बोलकर गलती कर दी है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्त। तुमने कानून को तोड़ा है, समझ गए? ये वही रुको। आराम से। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो कि आज यहाँ एक और मौत हो जाए। पीछे हटो। मेरी बात सुनो, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, उसी नाते से कह रहा हूँ। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे, लेकिन आपके पार्क में कुछ गड़बड़ है। तुमने लाश देखी है क्या? नहीं, मेरे दोस्त ने देखी। अच्छा, कहाँ है वो? एक गहरी गुफा में जिसमें चित्र बने हुए हैं। चलकर देखते हैं। नहीं 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 नहीं, वहां जाना सुरक्षित नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। या तो तुम लोग गिरफ्तार हो जाओ या फिर मुझे लाश दिखाओ, मर्जी तुम्हारी। सुना ना तुमने, अब चलो। सुनो, एलेक्स और मैं नीचे जा रहे हैं, तुम्हें यहाँ निगरानी के लिए छोड़ रहा हूँ। देखना कि ये लोग यहाँ से भाग ना जाएं। आप दोनों जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। तुम्हें गुफा में नहीं जाना, क्या पता तुम्हारी वो कहानी सच हो। मुझे अभी भी रिक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। चलो डांस, चलो हम दोनों चलकर देखते हैं। एलेक्स, ध्यान रखना। आप तैयार हैं? उतर रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, मत जाइए, ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। मुझे तो यहां भी ठीक नहीं लग रहा, हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए। लगता है वो झूठ नहीं बोल रहे थे। आपको नहीं लगता कि उन्होंने शेर या चीते का शिकार किया हो और जब शेर ने इसे मार दिया तो इसे यहां फेंक दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहां पर वही गंध है। इस गंध को जानते हो? तस्मेनिया के आदिवासी इस गंध को अच्छी तरह पहचानते हैं। वो इसे हैवानी गंध कहते हैं, मौत की गंध। पता है इस इलाके को खूनी घाटी क्यों कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। हमने इसका नाम उस हादसे के बाद रखा जिसमें 5 बच्चों की जाने गई, और वो बच्चे तो 15 साल के भी नहीं हुए थे। हम लोग अपने घरों से पैसे चुराकर यहां घाटी में आकर खूब मौज मस्ती और पार्टी किया करते थे। एक बार मैं अकेला बाहर निकला, रात को 1 या 2 बजे होंगे शायद। हल्का होने के लिए मैं बाहर निकला, बाकी सब सो रहे थे। मैं वो चीख आज तक भूल नहीं पाया हूं, उनमें से हर एक की चीख। दया की भीख मांगते हुए, मदद मांगते हुए, मुझे बुलाते हुए, बहुत ही दर्दनाक चीख। मैं डर गया था डांस,
बहुत डर गया था। बस 15 साल का ही तो था, सदमे में खड़ा था, जबकि मेरे सबसे अच्छे दोस्त अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे। और फिर एक के बाद एक सारी चीखें रुक गईं। और जब तक सदमे से बाहर आया, सूरज सर तक पहुंच चुका था। मैं गुफा में वापस गया, पर मुझे कोई नहीं दिखा वहां। वो किसी जानवर का काम नहीं था। मेरे 5 सबसे अच्छे दोस्त, उनके शरीर बिखरे हुए थे, हड्डियां, चेहरे, आते, उंगलियां, सब के सब आधे खाए हुए इधर उधर पड़े हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा हिस्सा किसका है। पर वो क्या था? मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं गुफा में पहुंचा तो वो जो भी था जा चुका था। पर मैं ये गंध पहचानता हूं, वही गंध है। हमें देखना चाहिए कि ये गंध कहां से आ रही है। नहीं, मुझे यहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है डांस। चलो बाहर निकलते हैं। पर लाश का क्या होगा? यही छोड़ दो, इसको अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ मिला? ये सच बोल रहे हैं। तो किसने मारा उसे? मुझे नहीं पता। क्या अब हम यहां से निकल सकते हैं? हाँ, निकल सकते हैं। बर्फ पड़ रही है, अजीब बात है। हे एलेक्स, तुम्हें देखना चाहिए था वहां नीचे क्या था। क्या था वहां? वहां नीचे ढेर सारे भयानक हैवान थे और क्या। हे बॉस, जाने से पहले थोड़ा हल्का होना चाहता हूँ। जरूरी है। वैसे तुम्हें रिक सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? मैं इसे ले जाती हूँ। बाकी तुम सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। तो तुम्हारे जैसी प्यारी खूबसूरत लड़की यहाँ जंगल में क्या कर रही है? ज्यादा मत बोलो। तुम बहुत खूबसूरत हो, या तो तुम मेरी मदद करो या फिर मेरे हाथ खोल दो। हाँ, देखो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अच्छी है ना? पता है इसकी कीमत क्या है? तुम्हारी साल भर की कमाई से ज्यादा। सुनो, जब बस्ती में पहुंचेंगे तो तुम मुझे पीछे के दरवाजे से निकाल देना, फिर ये तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारी बात तो ठीक लग रही है। अब चलकर गाड़ी में बैठो, मेरा वक्त फालतू में बर्बाद मत करो। मैं तुमसे दुगना हूं, अभी एक लात मारूंगा तो क्या कर लोगी? ठीक है, तुम्हारा भी तुम्हारे दोस्त जैसा ही हाल होगा। बस्ती कई किलोमीटर दूर है। तुम्हें क्या लगा मैं तो मजाक कर रहा था? चुपचाप गाड़ी में बैठो, तमीज रखो, तभी हमारे साथ चल पाओगे। साइमन, क्या कर रहे हो? बात को बिगाड़ क्यों रहे हो? जेल से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी तरह दो कौड़ी का नहीं हूँ मैं। बस करो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा स्टोन इसे लेकर क्यों आया। क्योंकि वो एक मर्द को लाना चाहता था बजाय किसी बेवकूफ लड़की के। हे, क्या बोल रहे हो? मिर्ची लगी बनी, जबान संभाल के वरना मैं। मत लगो तमीज से। हाँ, और बाकी सब भी तमीज से रहो। चलो अब चले, पीछे होके बैठो। हे, बहुत हुआ। और मैं गेम डिजाइनर हूँ। कौन सा गेम डिजाइन किया है? अरे कब पहुंचेंगे? गाड़ी रोकिए। चिल्लाओ मत, मैं मजाक कर रहा था ताकि माहौल हल्का हो जाए यहाँ।
वहाँ पर कुछ तो है। क्या है वो? डैंस, बंदूक तैयार करो, जल्दी। क्लच को संभालो, चलो। आखिर वो है क्या? मुझे नहीं पता। चलो यहाँ से निकलो, चलो आजा, सामान उठा लो।
बढ़िया है, शुक्र है। ये रस्सियां तलवारें ले लें। शुक्र है, हमारे पास कुछ हथियार तो हैं। ये मुझे दो। ये लो, तुम भी लो। ये हुई नबात। ओ, इतने हथियार। बारूद, हाँ बारूद भी है। वो किट मुझे दे दो। मेडिकल किट भी। इसे खोलो। और इसका करना क्या है? हाँ, अरे वाह, यार मुझे तलवार दो, मैं इससे कुछ नहीं कर पाऊंगा। दुआ करो कुछ करना ही ना पड़े। क्या वो मर गया होगा? अगर नहीं भी मरा तो वो हमारे पीछे आने से पहले दो बार सोचेगा। मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहां ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक है। मुझे अफसोस है। शुरू हो गया। इससे कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सुन रहा। आखिर क्यों? रेडियो सिर्फ रेंजर स्टेशन से जुड़ा हुआ है और हम तीन में से कोई दूसरी तरफ होता है। क्या बात है, तो अब सिग्नल भी नहीं है। अगर हम रात भर यहाँ रहने वाले हैं तो उस चीज को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तुम कोई तरकीब निकालो ना एंडरसन। तुम्हें ऊंचाई से डर तो नहीं लगता ना? ठीक हो? मैं तुम्हें ऊपर ले चलूं? नहीं, अब पहले औरों को जाने दो। सबके ऊपर जाने तक मैं नजर रखूंगी। ठीक है। तो कैसा लग रहा है साइमन, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्त। पर वो चीज क्या थी? भालू जैसा कुछ लग रहा था, है ना? हाँ, क्या किसी ने देखा था वो लाल रोशनी क्या थी? तुमने कुछ खास देखा? अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ, शायद हमें कुछ मदद मिले। तुम यकीन नहीं करोगे। बताओ तो सही। तुम में से गुफा में कौन गया था? मैं गया था। क्या तुम्हें वो गुफा ऐसी नहीं लगी जहां इंसानों की बलि दी जाती हो? वहां कुछ खोपड़ियां तो पड़ी थी। और वहां के चित्र, क्या उनमें वो था जिसने हम पर हमला किया? हाँ, बिल्कुल वैसे ही थे। और वो लाल रोशनी भी, मतलब ये सच है? क्या सच है? तुम्हारे दोस्त की वजह से ये शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? मैंने ऑस्ट्रेलिया की लोक कथाओं पर रिसर्च की है। यहाँ की प्राचीन कहानियों के हिसाब से किसी जमाने में एक भयानक हैवान हुआ करता था। कहते हैं किसी गुफा में इस तरह की बलि देकर उसे फिर से बुलाया जा सकता है। जब तुम्हारा दोस्त वहां गिरा तो इतना खून निकला कि वो प्रथा फिर से शुरू हो गई। तुम कह रही हो प्रथा शुरू हो गई, मतलब वो गुफा एक तरह से हैवानों का बिछाया हुआ जाल है। माफ करना, पर इन सब पर यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ, मेरे लिए भी। ये कैसे होता है? तुम्हें यकीन हो गया? मैं बस जानना चाहता हूँ ये सब कैसे होता है। कहा जाता है कि एक बार ये हैवान आ जाए तो वो बिना रुके बाहर से आए लोगों का शिकार करते हैं। तो लोक कथाओं में हम बुरे लोग हैं। देखो, एक बात तुम लोग नहीं समझ रहे। मैं नहीं जानता कि वो सच में हैवान है या कोई पागल भालू। दुआ करो कि उसे पेड़ पर चढ़ना ना आता हो। हमने उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी, अब वो कहीं घायल पड़ा होगा। कल सुबह हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे और फिर वो दोबारा हमें कभी नहीं देख पाएगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। फिक्र मत करो, मैं सबको इससे निकाल लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो।
नींद नहीं आ रही है ना? नहीं। अच्छा होगा तुम नीचे ना देखो। मैं वैसे मेरा नाम जेन है। लड़कियों वाला? नहीं, मैं इसमें वाई लिखता हूँ तो। तो लड़कियों वाला ना? हाँ, लड़कियों वाला। मेरा नाम एलेक्स है। लड़कों वाला? गुड नाइट एलेक्स। गुड नाइट। ये आवाज कैसी? मालूम नहीं। एलेक्स, ये डांस की आवाज है। वो जिंदा है सच में? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जाती हूँ। पर अभी सुरक्षित होगा क्या? नहीं, पर उसे मेरी जरूरत है। ठीक है, ठीक है, जेन के साथ ही रहना। ये मैं पकड़ता हूँ, तुम अपना पैर वहां रखो। चलो जल्दी। यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। हम ये क्या देख रहे हैं? ये तो लोक कथाओं वाला हैवान ही है, बिल्कुल वही जीता जागता तस्मेनियन डेविल। कार्टून फिल्मों जैसा? नहीं, कार्टून जैसा कुछ नहीं है। अगर ये इस जमाने के डांस जैसा है तो पक्का आवाज से आकर्षित होता होगा, जैसे कि डांस की चीज। हाँ बिल्कुल वही हुआ होगा। मुझे उसे रात में ही ढूंढना चाहिए था। हाँ पर ये कैसा जानवर है? पहले इतनी बड़ी टक्कर से बच जाता है, फिर सुबह उठते ही ताजा नाश्ता करने आ जाता है। जो भी हो, इससे पहले कि वो हमें मारे, हमें उसे मार देना चाहिए। कोई तरकीब है तुम्हारे पास? एक तरकीब है बेब, मेरे साथ आओ। यहाँ से बस्ती 135 किलोमीटर है, हेलीकॉप्टर 25 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से ये बेवकूफी होगी। हम उससे तेज नहीं भाग सकते। जरूरत ही नहीं, हम बट जाते हैं। तुम यहाँ उससे बचकर रहो, तब तक मैं हेलीकॉप्टर तक पहुँचता हूँ। देखो मुझे यकीन है मैं एक या डेढ़ घंटे में वहां तक पहुंच जाऊंगा, फिर मैं हेलीकॉप्टर लेकर तुम सबको बचाने आऊंगा। ये ठीक है, मुझे भी ये तरीका ठीक लग रहा है। नहीं, जितना सामान अपने साथ उठा सकते हो उठा लो, हमारे काम आएगा।
पास में मौसम विभाग की चौकी है, हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ क्या है? रुकने की जगह, खाना, रेडियो। मेरी तरकीब ज्यादा अच्छी है। पर उसमें आवाज है, टैज आवाज से आकर्षित होता है, हेलीकॉप्टर के पंखे की आवाज से वो आ जाएगा। हाँ पर शुक्र है वो उड़ नहीं सकता। ये क्या बनाया? इसको चलाने से ये आग उगलेगा। तुमने ये बनाना कहाँ से सीखा? स्कूल के एक बच्चे ने इंटरनेट पर देख करके बनाया था, जिसे मैंने गिरफ्तार किया था। क्या पता था मेरे ही काम आएगा। सच में इंटरनेट खतरनाक चीज है। ये बहुत आसान है। ये फ्लैशलाइट बंदूक में बारूद के पंप को छूती है, जिससे बारूद स्पार्क प्लग से बाहर निकलता है और बूम, मरने के लिए तैयार हो जाओ तस्मेनिया के हैवान। क्या बात है एडिसन, हमें इस बारे में बात करनी होगी। देखो मैंने कह दिया। नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। ये जल्दी से बंद करो। क्या हो रहा है? तुम इसे ठीक करना चाहते हो? जल्दी करो, इसे बंद करो। लाओ वो मुझे दो, मैं देखता हूं। शुक्रिया। मानना पड़ेगा तुम्हारी तरकीब काम आई, इसकी तो धज्जियां उड़ गई हैं। ओह, ये तो बिल्कुल सॉस जैसा लग रहा है। कितनी तेज बदबू है। तुम इसी लायक थे शैतान की औलाद। तुमने वो कहावत सुनी है, जी। बुरे की मौत भी बुरी। शुक्रिया। दोस्तों यह तो और भी है। ये मुझे दो। भागो। चलो 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 चलो। सारे कहां से आ गए? हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। मेरी बात मानो, मैं हेलीकॉप्टर लाता हूँ, हम सब बच जाएंगे। तुमने देखा नहीं अभी क्या हुआ? बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। तुम सबकी जिम्मेदारी मेरी है। इंचार्ज, देखो तुम अब यहाँ कुछ भी नहीं हो। रात को तुम हमें बांध कर चली गई ताकि हम खुद को बचा ना सके। अगर हम नहीं होते तो तुम अब तक मर चुकी हो। दोष मत दो, अगर एलेक्स नहीं होती तो मैं मर गया होता। शुक्रिया, कल का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, पर अभी तुम मेरी जिम्मेदारी हो और वही करोगे जो मैं कहूंगी। मरना? फिर से बंदूक तानोगी मुझ पर? हाँ, क्या उसकी जरूरत है?
हेलीकॉप्टर की आवाज से वो जानवर पहले तुम तक पहुंचेंगे और फिर हम तक। हम ज्यादा आवाज नहीं कर सकते। मौसम विभाग चौकी जाना सुरक्षित है। कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी और अपने दोस्तों की जिंदगी तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता। मैं हेलीकॉप्टर लेने जा रहा हूँ ताकि हम सब यहाँ से बचकर निकल सके। तुम राजी नहीं हो तो तुम अपना रास्ता चुनने के लिए आजाद हो, या फिर ऐसा करो मुझे गोली मार दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं दुआ करूंगी कि तुम सही हो। वहां आगे एक झरना है, उसके साथ साथ नदी तक पहुंच सकते हैं। 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, वहां तुम हेलीकॉप्टर उतार सकते हो। बहुत बढ़िया, मैं साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे भी धीरे कर दोगे। तुम मुझे दौड़ में हरा नहीं सकते, और वैसे तुम्हें बॉडीगार्ड की जरूरत भी है। तुम मेरे लिए इस वक्त दुनिया के सबसे खास आदमी हो, तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ये तुम्हें कहां से मिली? गाड़ी से, तुम्हारे किसी पार्टनर की होगी, पर अब इसके मालिक तो रहे नहीं। कसरत कर लो, अगर कोई नस खिंच गई तो मैं तुम्हें नहीं उठाने वाला। किसी शेर को शिकार करने से पहले कसरत करते देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। घड़ी मिला लो, चलो। गलत हो रहा है, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा। चिंता मत करो, हम बच जाएंगे। तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? तुम आग बरसाने में माहिर हो और मैं इतना खूबसूरत लड़का हूँ, गलत कैसे होगा? आराम से दोस्त। चलो तेज तेज और तेज। क्या वो पहुंच पाएगा? अगर तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो बस एंडरसन ही है जो पूरे भरोसे के साथ तुम्हें बचा पाएगा, और कोई नहीं है। अगर वो नहीं पहुंच पाया तो समझ लेना कि वो आखिरी सांस तक लड़ा है। एंडरसन बहुत मजबूत है, उसने मुझे बेस जंपिंग में आने में मदद की। लेकिन तुम बेस जंपिंग में क्यों आए हो? मुझे तो ये पूरी तरह पागलपन लगता है। यकीन नहीं करोगी, मुझे ऊंचाई से डर लगता था, तो लगा उसे दूर करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। पहाड़ की चोटी से कूद जाओ। जब पहली बार किया तो मजा आ गया। ये तो पागलपन की हद है। हाँ, पागलपन तो है, मैं किसी और को इसकी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव रहा है। ये ट्रिप भी, इसकी तो बात ही अलग है। जरा इसे पकड़ूंगी। हाँ। बढ़िया है। आ जाओ। पानी की आवाज आ रही है। पहुंच गए। यहां रुककर इंतजार कर सकते हैं। एंडरसन कहां पहुंचे? हम 5 किलोमीटर दूर हैं और पहुंचने वाले हैं। हम नदी पर पहुंच गए हैं। हिम्मत मत हारना, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, बैठ जाओ। लो। शुक्रिया। तो तुम और वॉल्श कैसे मिले? मैं इमरजेंसी रूम में रात की शिफ्ट में थी और इसे गोलियां लगी थी 2 जगह। घायल हालत में था और उस बुरी तरह खून बहती हुई हालत में इसने मुझे डेट के लिए पूछा। लगा ये मरते इंसान की इच्छा तो नहीं ठुकराएगी। अब तुम्हें ये पूछना चाहिए कि वॉल्श ने इससे अपने जंपर होने का राज कब तक छुपाया।
मैं कहूंगी कि इसको जंप करते हुए देखना इसके मम्मी पापा से मिलने के बराबर था, और जंपिंग सिखाना मतलब शादी के लिए पूछना। तुम्हें डर नहीं लगा? डर? मैं तो खौफ में थी, लेकिन जिंदगी इसके बिना बिताना और भी बड़ा खौफ था, इसीलिए मैंने खतरा उठाना ही ठीक समझा। देखना शादी कितनी धूमधाम से करेंगे बेब। बहुत बढ़िया साइमन, मैंने कर दिखा। चलो बैठो, आ जाओ। एंडरसन, मैं तुमसे कम नहीं रहा। पहुंच गए। मेडिक, मेडिक, मैं अभी के अभी उड़ना होगा। चलो एंडरसन, जल्दी करो। चलो जल्दी उड़ाओ। कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश तो कर रहा हूं पर ये नहीं उड़ रहा। तुम संभालो। लगता है सिग्नल नहीं मिल रहा। नीचे बहुत सारे हैं। जेन, अच्छी खबर यह है कि हम हेलीकॉप्टर से तुम्हारे पास आ रहे हैं। बुरी खबर यह है कि वो जानवर भी जमीन पर हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। तुम हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए तैयार रहना, हमारे पास हेलीकॉप्टर नीचे उतारने का वक्त नहीं होगा। मैं जितना हो सके उसे नीचे लाऊंगा, और अपने साथ में और कुछ मत लाना, ठीक है? तुम आ जाओ, हम तैयार हैं। एंडरसन, एंडरसन, एंडरसन,
एंडरसन। क्या तुम ठीक हो? एंडरसन, 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 बताओ क्या तुम ठीक हो? एंडरसन, हाँ मैं जिंदा हूँ। और साइमन कहाँ है? साइमन अब इस दुनिया में नहीं है। क्या तुमने रेडियो से संदेश भेजे? नहीं, सिग्नल नहीं मिला। मुझे ही लग रहा है ये सच में बड़े हो रहे हैं। ये बड़े हो रहे हैं। एंडरसन, ऐसा लग रहा है कि उनका ध्यान भटक गया है। वहां से निकलो। आ जाओ। अब हम क्या करेंगे? कोई रास्ता निकालते हैं। हम एक को मारते हैं और दूसरों का आकार बढ़ जाता है, मतलब खतरा तो बढ़ता ही जा रहा है। मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब उनका ध्यान भटका हुआ है तो हमें निकलना चाहिए। ठहरने की जगह कितनी दूर है? बहुत दूर है। मुझे उस गुफा में वापस जाना है। रुको, तुम मौत के मुंह में खुद जाना चाहती हो? मैंने प्राचीन गुफा चित्रकारी पढ़ी है, वहाँ कोई ना कोई नियम होगा जिससे उन्हें रोका जा सकता है। मुझे नहीं लगता कुछ होगा। माफ करना, पर ये तो खुदकुशी होगी। इसकी हेलीकॉप्टर की बात सच निकली थी। मुझे लगता है हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। ये सब सच में हो रहा है और ऐसे तो हम नहीं बच पाएंगे। हाँ, वहाँ नीचे जाकर ही पता चलेगा कि जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं वो आखिर है क्या। समझ गए? चलो। ठीक है ठीक है, चलो। यहाँ बैठे रहने से तो अच्छा ही है। ये पकड़ो, चलो आ जाओ। यकीन है तुम ये करना चाहती हो? हाँ, करना चाहती हूँ। ठीक है, एक तरह से ये अच्छा ही है। एलेक्स ऊंचाई से डरती है। क्या कहा तुमने? सही कह रहा है, मुझे तो जेन को पहाड़ से धक्का ही देना पड़ा था। हाँ सच में। मैं तैयार हूँ, मुझे नीचे उतारो।
दिखा। एक मिनट, उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है। ये सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब नहीं मर जाते। हैवानों को बुलाया गया था, हमने दो को मार दिया है, इसलिए अगर किसी तरह हम बाकी के चारों को मार दें तो हम बच जाएंगे। एक मिनट एलेक्स, एलेक्स क्या हुआ? एलेक्स मुझे आगे जाकर देखना है। का एक और रास्ता है। मेरे पास एक तरकीब है। हम एक धमाका करके उन्हें यहां बुलाएंगे। जब वो मेरी तरफ आएंगे तो मैं गुफा के अंदर जाऊंगी। जैसे ही वो अंदर आएंगे मैं उन्हें चला दूंगी। ध्यान रखना, वॉकी टॉकी पर रहना। मुझे इसकी जरूरत है। देखो मैं ये सब कर रही हूँ। देखो मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। देखो मैं सबसे हल्की हूँ, मुझे जल्दी निकाल पाओगे, यही सही रहेगा। मेरी तरफ मत देखो, वो सही कह रही है। चलो ठीक है, ये लो। मुझे मदद नहीं चाहिए। जानता हूं नहीं चाहिए। ध्यान रखना। ये तैयार है। ठीक है, बिल्कुल सीधे गुफा की तरफ। सब तैयार रहना। मैंने आग लगा दी है।
की आवाज आ रही है। तैयार रहो, खींचो। जेन, चलो। एलेक्स, एलेक्स, बचाओ। जेन तैयार हो ना, चलो। खींचो, तुमने उन पे आग नहीं फेंकी। गन खराब हो गई थी, हमने उन्हें थोड़ा रोक दिया है। हमारा पलड़ा भारी है। एलेक्स, तुम ठीक हो? उठो, ये रस्सी निकाल लेते हैं, हमें यहां से चलना चाहिए। क्या लग रहा है? शांत है, लगता है सब ठीक है, कोई आवाज नहीं आ रही। आगे बढ़ना चाहिए। जेन,
चलो चलो अंदर चलो बैठो। गोलियां कितनी बची हैं? मेरे पास तीन गोलियां हैं। बढ़िया, हम भी तीन ही हैं। इनके हाथों मरने से अच्छा है गोली खा ले। सुनो दोस्त, पहाड़ की चोटी पर खड़े रहकर पीछे नहीं हटते, वहां से छलांग मारते, पता है किसने कहा था? तुमने। हाँ हाँ, पर आज तो मैं भी समझ नहीं पा रहा क्या करना है। हमारे पास वक्त नहीं है, वो आ गए हैं, हमें कुछ तो करना ही होगा। तुमने आज तक हिम्मत नहीं हारी, देखो हमारे पास इतना कुछ है, कोई तो तरकीब निकालो। इसे आजमाते हैं, अब बस दुआ करो कि साइमन का म्यूजिक इन्हें पसंद आ जाए, है ना? ये तरीका शायद काम करे। जान बचाने के लिए भागो। तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए था, चलो जल्दी उठो। अरे इसे तो सच में लगी है, सच में खाया, इसे खींच कर निकाल ले। नहीं, ये खतरनाक है, पहले खून रोकना होगा। जल्दी आराम से, चुप रहने की कोशिश करो, हिम्मत रखो। अब चलो आराम से, आराम से, मैं ठीक हूं। मुझे यहीं छोड़ दो, मैं उनका ध्यान खींच रहा हूं। हम तीनों बच जाएंगे, मेरी वजह से तुम भी मारे जाओगे, जाओ। चलो हिम्मत रखो। हम पहुंच गए। चलो ऊपर चढ़ो, चलो। देखो तुम दोनों ऊपर जाओ। क्या? नहीं जाओ, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगा। जैन, खून बहुत बह रहा है दोस्त, तुम्हारा घाव बहुत गहरा है। इससे पहले कि यहाँ मदद पहुंचे मैं नहीं बचूंगा, तुम जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं उनका ध्यान बटाता हूँ, तुम जाओ, जाओ। मेरी बात मानो दोस्त, शायद ये तरकीब काम आ जाए। फिक्र मत करो, हम किसी तरह तुम्हें ऊपर ले जाएंगे। नहीं नहीं, इतना वक्त नहीं है, मेरी बात मानो, जाओ। अगर तुम हर दिन को आखिरी दिन की तरह गुजारोगे तो एक ना एक दिन ये सच हो जाएगा। वो आ रहे हैं। मैं ठीक हूं, तुम जाओ, तुम दोनों ऊपर चले जाओ, जाओ। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। Thank you.
चाहिए था शायद हम इसे ठीक कर सके। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूं? यहां पर रेडियो नहीं है। मुझे एंडरसन के लिए अफसोस है, पर हमें कुछ करना होगा। कुछ तो होगा जो हम कर सके, कोई तो तरीका होगा। या ये सब रुकने का इंतजाम करें, हम मर नहीं सकते। तुम्हें सच में ऐसा लगता है हम फंस गए हैं? हम यहां फंस गए हैं एलेक्स। Thank you.
अब उनमें सिर्फ एक ही बचा है। वो अभी से तोड़ डालेगा। मैं मरना नहीं चाहती इस तरह से तो नहीं। लपेटो। क्यों? हमें गिरने से बचना है। मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? उस पर यकीन करो, यकीन करो। पर पहले बताओ क्या है। मैंने तुम्हारी जैसी हिम्मत वाली लड़की नहीं देखी और मुझे ये बात पसंद है, पर तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मेरी बात मानना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। चलो जल्दी करो। डरो मत, हमें कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन हम दोनों घर के पीछे वाले पेड़ पर चढ़ गए थे और वो पेड़ बहुत ही ऊंचा था। हम दोनों ऊपर चढ़ते जा रहे थे, हमें बहुत मजा आ रहा था, और तभी गिरने की आवाज आई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो छूट गया। बहुत देर हो गई, मुझे उसे बचाना चाहिए था पर नहीं बचा पाई, और मैंने खुद से वादा किया था कि मैं ऐसा फिर कभी महसूस नहीं करूंगी। सोचा था कि मैं कभी नहीं डरूंगी। मुझे उसकी बहुत याद आती है। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है सच में। रखो hey.
ठीक हो? ऐसा कूदने से पहले करना चाहिए था, शायद किस्मत बढ़ती। थोड़ी किस्मत और बढ़ा दो। था कि पहला जंप मानो शादी के लिए पूछने जैसा होता है। लिस्बन ने कहा था। ओ हाँ, लिस्बन ने। पहले डेट पर चल कर देखते हैं, पर सिर्फ खाना खाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ, वहाँ तुम्हें गुफा चित्रकारी देखने को मिलेगी और तुम्हें बहुत पसंद आएगी। This movie is encoded by Dr. Star.